गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मेरा नाम प्रशांत है। बोलिए प्रशांत, यहाँ कैसे आना हुआ? मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन शर्म आ रही है, उसे आपसे कैसे शेयर करूँ? देखिए प्रशांत जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और जब तक आप मुझे अपने दिल की सारी बातें खुलकर नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी। आप इसलिए मुझे खुल के बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैडम मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, जहाँ मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट के सामने दूसरे फ्लैट में एक और फैमिली रहती है। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनकी एक 12-13 साल की बेटी रहती है। प्रॉब्लम यह है मैडम कि जब भी मैं अपने किसी काम से बालकनी की तरफ आता हूँ तो उनकी वो 12-13 साल की बेटी अपने घर के सारे काम छोड़कर वो भी बालकनी पर आ जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है प्रशांत कि वो बेटी बालकनी में आप भी जा रहे हो, वो भी आ रही, क्या वो आपको कुछ बोलती है, लाइन मारती है या फिर छेड़ती है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम प्रॉब्लम तो वही है ना। क्या? बेशक उसकी उम्र कम है लेकिन उसके देखने के तरीके और इशारे करने के तरीके बहुत अलग हैं। अलग मतलब? अलग मतलब मैडम वो ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे देखती है जैसे कोई 18-19 साल की लड़की रिएक्ट करती है। जैसे 18-19 साल की लड़की किसी लड़के को देखकर अट्रैक्ट होती है, उसे इशारे करती है, उसे रोमांटिक अंदाज में देखती है, वो छोटी बच्ची उस अंदाज में मुझे देखती है। कई बार क्या होता है प्रशांत कि घर का माहौल इतना खराब होता है या फिर घर में इस तरह का माहौल पैदा होता है जिससे ऐसी बच्चियां इस तरह की हरकतें करती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। या तो उस बच्ची ने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी होगी अपने माँ बाप की गैर हाजिरी में, या फिर अपने फ्रेंड से कुछ इस तरह की बातें करती होगी, इनफैक्ट या फिर अपने चाचा चाची को, मम्मी पापा को उन्होंने देख लिया ऐसे रिलेशन बनाते हुए। तब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या चीज है ये, क्या ऐसा स्वाभाविक है? तो वो फिर इस तरह की हरकतें बाहर आके, जबकि उसे उस बारे में कुछ पता नहीं होता है कि क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या होता है, उसको लगता है कि मुझे एक लड़के को देखना चाहिए। उसके अंदर एक फीलिंग उठती है, हो सकता है वो लड़की तुम्हें ऐसी देख रही हो, कोई ऐसी बात ना हो। मैडम अगर बात यहीं तक होती फिर भी ठीक था, मुझे आपके आपको परेशान करने की जरूरत भी ना पड़ती, लेकिन मैडम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की की हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो मुझे छेड़ती हैं, गंदे गंदे इशारे करती हैं, और आसपास का माहौल, सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि अगर मैं उसकी तरफ कोई मैं रिप्लाई करता हूँ, इशारा करता हूँ, तो लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। अब समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, उसे कैसे समझाऊँ। अगर मैं इस बारे में उसके माँ बाप से भी बात करता हूँ तो वो लोग मुझे ही कहेंगे कि तुम गलत हो, लेकिन अब समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ उस लड़की को। अक्सर क्या होता है प्रशांत कि हमारे हिंदुस्तानी जो लड़कियां होती हैं वो 12-13 साल में उनको जिस तरह से पीरियड होना शुरू हो जाते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है, ठीक है, चेंज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, उनके अंदर एक सवाल उठना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी मोस्टली कई बार 15-16 साल में भी कर दी जाती है, क्योंकि वो घर वाले सोचते हैं उस वक्त कि वो जवान हो चुकी है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि लड़की की उम्र 13-14 साल है, वो पूरी तरह अभी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक फीलिंग्स है, एक सवाल है, एक अट्रैक्शन है, जो वो आपको देखकर वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही है, समझ रहे हैं आप? उसका मोटिव कोई गलत नहीं है कि आपकी तरफ ही आपको लाइन मार रही है या फिर क्या है, या फिर आप उसे शादी करोगे, समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि घर का माहौल शायद ऐसा रहा होगा जिससे लड़की इस राह की तरफ जाए। आप एक काम करें, आप उनके घर जाएं, उसके पेरेंट्स से ये बात करें कि लड़की की एक्टिविटीज इस तरह की है, आप इस तरह शांत ना बैठें, हो सकता है कि आप उससे ना कुछ ऐसा गलत उसका वो करें लेकिन कोई और आपकी जगह हो उसका गलत फ़ायदा उठा ले, लड़की का जीवन ख़राब हो सकता है। लड़की इस बारे में जब जानती नहीं कि फिजिकल रिलेशन क्या होते हैं, अट्रैक्शन क्या होता है, जब उसे कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है आप भी समझ रहे हैं कि लड़की जात है, कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता जी बिल्कुल। तो आपका ये फ़र्ज बनता है मिस्टर प्रशांत कि आप उनके घर जाएं और देखें कि उनके घर का माहौल किस तरह का है, उस पर कोई गलत बाहर से इफ़ेक्ट इस तरह का डाल रहा है या फिर उसके घर का माहौल इस तरह का है कि लड़की उस तरफ जा रही है, ये आपको उनको देख के उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी। अगर आप ना बात करें तो आप इतना कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को एक बार मुझसे मिलवा दें या फिर उस
लड़की को तो फिर आप नहीं ला सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स से बात करके मुझसे मिलवा सकते हैं। बिल्कुल मैडम, मैं उन्हें समझाऊँ। डॉक्टर, आपने अच्छे एडवाइस दी है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मैडम, मैंने आपको बताया मैं अहमदाबाद में फ्लैट लेकर रहता हूँ, और वो फैमिली मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, और आपने के आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं उन्हें दिल्ली कैसे लेकर आ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो आप उनसे मिलके जो मैंने बातें आपको बताई आप उनसे शेयर तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल मैडम। ठीक है मैडम, जैसे आपने मुझे एडवाइस किया है मैं एक बार उसके पेरेंट्स से बात करके देखता हूँ, अगर वो बात कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपसे उनकी फोन पे जरूर बात करा दूंगा। आप प्लीज उन्हें समझा दीजिएगा, मैं इस बड़ी दुविधा से निकल जाऊंगा मैडम। ठीक है प्रशांत, आप चिंता मत करो, आप आ जाइए और उनसे बात कीजिए, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है आप मुझसे उनसे बात करा दीजिएगा, मैं उन्हें समझा दूंगी, ऐसा घबराने वाली और कोई बात नहीं है। ठीक है? ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू मैडम, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू।